आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शाश्वत और परम चैनल पे, जहाँ पे सत्य और प्रमाण आपको पूर्ण रूप से, पुख्ता रूप से, शिवत्व की एनर्जी से बताया जाता है। परम सत्य और परम ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, शब्द अलग है, स्टेज भी अलग है, अवस्था भी अलग है, आयाम भी अलग है। सबसे पहले व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है, उसके बाद उसे समझ में आता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है। उसके बाद ही उसे ब्रह्म ज्ञान होता है कि हर कण कण में शिवत्व मौजूद है। जो व्यक्ति इस चरम अवस्था को साधना करके प्राप्त कर लेता है, यूँ समझ लो वह साक्षात भगवान शिव का, सत्य का दाहिना हाथ बन जाता है। दाहिना हाथ अर्थात इस पूरे सृष्टि और संसार में उसे किसी भी तरह से, यूँ समझ लो सम्राट की तरह जीवन रहेगा उसका। जब तक चाहेगा तब तक जीवन राजा की तरह रहेगा, कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वैसे भी वह जो भी चाहेगा वह खुद ब खुद अपने लिए निर्माण कर लेगा। जो भी चाहेगा भगवान और प्रकृति उसके लिए ला करके उसे दे देगा, क्योंकि प्रकृति के बंधन से एक तरह से वह मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे भारत में संविधान लागू है, उसी तरह प्रकृति का भी संविधान चलता है। जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, रात दिन, कर्म का लेखा जोखा, इस संविधान से, प्रकृति के संविधान से व्यक्ति जो है बंधन से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है। फिर वह सीधा सम्राट बन जाता है, राजा। राजा पूर्ण रूप से शिव कहीं भी किसी भी जगह आ सकता है। पूरा सृष्टि उसी तरह है, जहाँ अनंत है उस छोर तक शिव की पहुँच है। तो यूँ समझ लो शिव का दाहिना हाथ, जिन्होंने परम ज्ञान को, परम सत्य को प्राप्त किया है, उसके लिए संसार में हर चीज़ अपना रास्ता खोल देता है। यहाँ तक कि उसे जीवन में जो भी चाहिए, चाहे वस्तु हो, प्यार हो, घर हो, परिवार हो, बीवी हो, बच्चा हो, हर चीज़ उसे मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, जो वास्तव में आत्मज्ञानी होते हैं, सत्य ज्ञानी होते हैं, वह पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं, कभी भी गृहस्थ जीवन को छोड़कर नहीं जाते। अर्थात इस संसार में रहते हुए ही सत्य को प्राप्त करता है, वह शिव को प्राप्त करता है। संसार के अधीन ही रहता है, अर्थात बीवी होता है, बच्चे होते हैं, घर होते हैं, गृहस्थी होते हैं, जीवन यापन होता है, लेकिन इन सब चीज़ में उनका जीवन जो है सरल होता है, और इन सब चीज़ों के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। कोई भी चीज़, अगर उसका कार डैमेज हो गया, अगर उसका बाइक डैमेज हो गया, अगर उसका कोई सामान जो है कुछ हो गया, तो किसी भी अवस्था में हिलता डुलता नहीं है। ब्रह्मज्ञानी, सत्य ज्ञानी अर्थात अलग व्यक्ति नहीं है, वो संसार में ही रहता है, और इसी संसार में रहते हुए सही चीज़ों को भोगते हुए संतुलन बनाकर जीवन को जीता है। लेकिन वह लोगों की नज़र में नहीं आता, लोग उसे जान ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य को देखना असंभव है लोगों के लिए। सत्य को तो दूर के बाद उसके आंखों के सामने क्या चीज़ हो रहा है उसे नहीं देख सकते। सत्य तो बहुत ही कोसों अरबों मिलो, जैसे पृथ्वी से लेकर के सूरज की दूरी है, उसी तरह से लोगों की नज़र से दूर है सच। सत्य को जानना असंभव है, जब तक आप उसे साधना ना करें, अपने आप को सिद्धि में ना लाएं, तब तक उसे आप पहचान ही नहीं सकते। तो ब्रह्मज्ञानी, सत्य ज्ञानी जो है इन सब रहस्य को जानता है, संसार में रहता है, संसार में रहकर संतुलन में जीवन को जीता है, और वह जब भी जीता है, जब तक जीता, राजा की तरह। यहाँ तक कि उसका ऐसा है कि जब शरीर की छोड़ने की अवस्था आती, तो भी उसकी मर्जी से ही छोड़ता है। अगर उसे लगे कि मुझे अभी रुकना है, तो वह यमराज को आदेश दे सकता है कि मुझे अभी 10 साल और जीना है, तब तक आप आना नहीं। और यमराज भी उसके आदेश के लिए अधीन है, मानने के लिए, क्योंकि शिव का सीधा दाहिना हाथ होता है, सत्य ज्ञानी, तत्व ज्ञानी।